पाँच तारीख को गणेश पूजा का मीटिंग रखा था और वो मतलब भाग होने के बाद नया कमेटी का चुनाव, वो कमेटी का चुनाव नहीं हुआ किसी कारण, बहस होने के कारण चुनाव नहीं हुआ तब। और जो पुराना कमेटी था कि बोला कि हम लोग नहीं हटना चाहते, ये कमेटी छोड़ना नहीं चाहते, तो समाज बोला कि हर साल की तरह चेंज होता है, इस साल भी चेंज होगा। ये बोला कि हम लोग उसके लिए जो होगा हम करेंगे, लेकिन हम लोग चेंज नहीं होंगे। तो पूरे समाज मिलकर एक तो नोटिस बनाया कि दोबारा मीटिंग कराया जाए, 11 तारीख को समाज के सब युवा लड़का मिल के या वो नोटिस चिपकाने के लिए, नोटिस चिपकाने के लिए वो लोग पुलिस से प्लान करके लाठी डंडा रॉड सब चीज़ रखा हुआ था उस दुकान के पास, और हम लोग का जैसे ही कुछ लड़का किया उस पर लाठी चार्ज और रॉड से चार्ज कर दिया, और उसके बाद हम लोग जब केस करने के लिए माना और हारे गए तो वहाँ पर केस लिया नहीं गया। अभी तक हम लोग का दो लड़का पूरा पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, माथा का फट चुका है, तो सामने से फटा हुआ उसका, लेकिन केस अभी तक लिया नहीं गया। कैमरा सही बात है। और मेरा मतलब है ज्वाइंट पिटीशन
पोजीशन दिया जाए, ज्वाइंटली पिटीशन देकर देखो, अगर मानता तो अच्छा है, नहीं तो फिर प्रस्ताव देंगे। पिटीशन लेकर टोटल डॉक्यूमेंट लेकर के ये दोनों मिल करके आपको पता चल जाएगा। हां हां हां, नंबर दीदी के ले ले लो दोनों आदमी, तुम कल जाना ठीक है, कल चले हम करवा लेंगे। एडीसी के पास जमा कर लो, कमिश्नर हो गया, हुआ कमिश्नर हुआ, तो वहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और उधर से दिल्ली का नेशनल ह्यूमन राइट, हमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स पूजा करने का अधिकार सब होता है। अच्छा, मेला बंद नहीं होना चाहिए और ये दोनों लड़का का इंसाफ होना चाहिए। डीसी से सब पर फॉरवर्ड कर दीजिए, दीदी की भी मोबाइल पर। हाँ नहीं, मेरा बात है, ये जो चल रहा है ये लोगों मनमानी चल रही है, ये मनमानी को छुआ के लिए पैसा शायद अच्छा कमा रहा है, पाँच दिन 5,000-6,000 कमा रहा है उनका से, ये लोग को कहे 15 दिन अगर 10 दिन मेला रहा एक दिन अभी